हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एग चिली, अंडा चिली। चलो शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट लगेगा ये मैदा। मैंने लिया है, मैं ले रही हूं 2 टेबलस्पून मैदा। 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूं यहाँ पे कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर पाउडर, 1 टेबलस्पून। अब हमें लगेगा 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच 1/4 ऑलमोस्ट, ये तो बहुत स्पाइसी हो जाएगा। ये है अपना पेपर पाउडर डाल दिया मैंने 1/4 चम्मच। 1/4 टेबलस्पून मैंने लिया है टर्मरिक पाउडर। अब मैं ले रही हूँ ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1/2 चम्मच। नमक स्वादानुसार थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इसमें सोया सॉस डालना है, तो नमक इसमें मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। अब मैं डालूँगी ये ऑलमोस्ट 1 चम्मच सोया सॉस, इसको अच्छे से मिलाइए। अब डालना है 1 अंडा तोड़ के, वो भी डाल दीजिए इसमें, इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। थोड़ा सा पानी लगेगा इसमें, हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज्यादा पतला भी नहीं करना है, ज्यादा पतला भी नहीं, ज्यादा जाड़ा भी नहीं, थोड़ा और डालेंगे पानी, धीरे धीरे करके पानी डालना है। अच्छे से मिला लेंगे इसको। बिल्कुल हमें लम्स नहीं चाहिए, अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से इसको बीट करिए। आप चाहे तो बीटर से भी कर, बीटर नहीं, जो हैंड बीटर है ना उससे भी कर सकते हो। यस, ये मेरा रेडी है। हम चक्के देखेंगे, सॉल्ट थोड़ा कम है, अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, थोड़ा और डाल दिया मैंने। सॉल्ट बड़े कम डालिए, बाद में डाल सकते हैं। अब ठीक है, अब ये बैटर को हम साइड में रखेंगे। अब ये अंडा मैंने 1/4 कट कर दिया है एग को, मैंने ये पैन को गरम करने रख दिया है। अब ये अंडे को ये डब में डुबा के हमें फ्राई करके निकालना है। ये मैंने डाल दिया ऑयल, अंडे को हम हार्ड बॉईल करेंगे। हार्ड बॉईल करके उसको 1/2 लंबे में काट दिया, आपके मर्जी के शेप में कट कर दीजिए, और उसको बैटर में डुबा के फ्राई करेंगे। पहले आंच को धीमी रखना है, एक एक अंडे को ऐसे निकाल के बैटर में डुबा के फ्राई करके लेना है। अंडे को पीसेस, अंडे का जो टुकड़ा है उसका पीसेस को निकाल के बैटर में डुबा के फ्राई करके लेना है, एक एक करके, क्योंकि जैसे टुकड़ा किया है थोड़ा डेलिकेट है, तो उसका जो योल्क गिर जाएगा, तो थोड़ा संभालिएगा, या 1/2 भी कर सकते हो, आप बीच सेंटर में काट के भी कर सकते हो। इसको पलट देंगे हम,
थोड़ा फ्लेम को बढ़ाना है एक एक करके धीरे से पलटेंगे। ये हम ले लेंगे एक टिश्यू पेपर में, ये रेडी है तल के, ऐसे सारा हम तल के निकालेंगे। ये मैंने सेकेंड रिब भी डाल दिया था एग को, तो इसको सारा हम निकाल लेंगे और टिश्यू पेपर में लगा लेंगे पूरा। अब हमें रखना है एक पैन, उसमें डालेंगे ये, मैं वही सेम ऑयल यूज कर रही हूँ जो मैं तलने के लिए निकाला था। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल, और इसको थोड़ा फ्लेम हाई करेंगे। ऑयल तो मैंने सेम ही यूज किया है, ठीक है। इसमें हमें डालना है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम डालेंगे ये चॉप्ड कैप्सिकम, मैंने कैप्सिकम लिया है 2 मीडियम, उसको काट दिया है, इसको अच्छे से हिलाएंगे। आप जिंजर गार्लिक अगर पेस्ट डाल रहे हो ना तो ऑयल जो ऊपर उड़ेगा तो संभालिएगा, वरना जिंजर गार्लिक चॉप करके भी डाल सकते हो आप। तो फ्लेम को थोड़ा बढ़ाना है हमें। ये अगला डाल रही हूँ मैं ओनियन, 2 प्याज को मैंने कट कर दिया है, थोड़ा बड़ा काटा है मैंने, बड़ा साइज में, तो अच्छे से हिला देंगे। अब डालना है ये टमाटो, 2 टमाटो लिया है मैंने, 2 कैप्सिकम, 2 प्याज, 2 टमाटो। ये आप सोया चंक्स के साथ भी बना सकते हो, जैसे मैंने एग को डिप करके मैंने फ्राई किया है, सेम वे आप सोया चंक्स को भी कर सकते हो। सोयाबीन रहता है उसको थोड़ा, सोया चंक्स मैं नेक्स्ट रेसिपी में मैं अपडेट करूंगी। तो उसको ऑलमोस्ट एक 70% एक ऑलमोस्ट 10 मिनट्स इसको स्लो मीडियम हीट पे आप ढक के पकाइएगा। थोड़ा सा हम डाल देंगे सॉल्ट, इसको एक और बार हिला देंगे और इसको हम करेंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं डालने भूल गई, वो है ये ग्रीन चिली, मैंने डाला 2 ग्रीन चिली को मैंने बारीक काट दिया और वो भी इसमें डाल दिया। चलो हम इसको ढक देंगे, पूरा एकदम स्मैश नहीं करना है, उसको मीडियम हीट में एक 10 मिनट्स रख के पकाना है। अब हम चेक करते हैं। ओ या, ये हो गया है, यस। अभी हमें डालना है इसमें ये सोया चिली और टमाटो का सॉस। आप अलग सा चिली सॉस या अलग सा टमाटो सॉस डाल सकते हो, मेरे पास ये दोनों मिक्स वाला था तो मैंने डाल दिया। चिली टमाटो सॉस 2 चम्मच, फ्लेम को थोड़ा बढ़ाएंगे। अब हमें डालना है ऑलमोस्ट 1 चम्मच ये सोया सॉस, सोया सॉस डाल दिया 1 चम्मच। Oh.
अब हमें एक छोटा चम्मच कॉर्नस्टार्च मैंने लिया है, कॉर्नफ्लोर पाउडर, उसमें मिलाया है 2 चम्मच पानी और ये डाल दूंगी इसमें, इसको थोड़ा थिक होने तक हम हिलाते रहेंगे, फ्लेम को बढ़ा देंगे। बस चखना है, सॉल्ट थोड़ा सा लगेगा हमें, सॉल्ट थोड़ा सा, सॉल्ट सॉल्ट धीरे धीरे डालिएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये रेडी है, अब हमें डालना है उसमें ये अंडा, डाल दिया, उसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये रेडी है हमारा एग चिली, जैसे नाम है चिली, एग चिली, तो थोड़ा है स्पाइसी है क्योंकि हमने डाला है इसमें पेपर पाउडर, ये चिली, ग्रीन चिली, रेड चिली पाउडर, चिली टमाटो सॉस, सो स्पाइसी तो है ये। चलो हम अभी प्लेटिंग करते हैं। आप इसको इसमें गार्निश के लिए थोड़ा सा डाल सकते हो, कोरिएंडर पीसेस करके धनिया डाल सकते हो। ओके, दिस इज रेडी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।